पठानकोट जम्मू हाईवे सुजानपुर पुल नंबर 1 के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार बाप बेटी जख्मी हो गए। घायलों को उपचार के लिए CHC सुजानपुर में भर्ती करवाया गया है। घायलों को प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद पठानकोट सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल अमरनाथ और उसकी बेटी साक्षी निवासी थरियाल के रहने वाले हैं। घायल अमरनाथ के सिर, टांग और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल बेटी साक्षी के चोटें अधिक लगने की वजह से वह होश में नहीं है। वहीं घटनास्थल से वाहन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। उधर सूचना मिलने पर मौके पर सुजानपुर पुलिस पहुंची। पुलिस का कहना है कि घायलों के बयानों पर कार्रवाई की जा रही है। एक्सीडेंट का केस आया है कि पूरा मामला है? हाँ जी, अभी हमारे पास मॉर्निंग में एक्सीडेंट केस आया था। एक फादर और उनकी बेटी के साथ में, वो लोग टू व्हीलर पे थे, वो कोई फोर व्हीलर के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ है। आई थिंक पुल नंबर 1 वाली साइड पे कोई एमरजेंसी का व्हीकल है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उठा के यहाँ पे लाया है। तो दोनों को काफ़ी लगे हुए हैं और हमने उनका सारा फर्स्ट एड करके, फादर के स्टिचिंग करके और बेटी के जो हैंड इंजरी है उसको भी हमने फर्स्ट एड दे के तो उनको हमने रेफर कर दिया है सिविल हॉस्पिटल फॉर फर्दर मैनेजमेंट। पेशेंट किधर था मैम रहने वाला? पेशेंट थरियाल गाँव है, पेशेंट कहाँ का था जैसे कि उसके फादर ने बताया। बेटी तो कुछ बताने की मेरी नहीं थी, अपने हमारे साथ कोई बात नहीं थी, तो उसके कोई हेड इंजरी नहीं है और वो शिवत अनकॉन्शियस।